हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, लेक्चर नंबर 4, और इसके टॉपिक्स हैं सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर एंड प्रोसेसेस। सो गाइस, इससे पहले मैंने सॉइल साइंस के 3 लेक्चर लिए थे, रॉक्स, मिनरल एंड वेदरिंग प्रोसेसेस। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस। सॉइल फॉर्मेशन मेनली 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू रिगोलिथ। इस प्रोसेस में हार्ड सॉलिड रॉक फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से ब्रेक होकर रिगोलिथ का फॉर्मेशन करती है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सॉइल फ्रॉम रिगोलिथ। मीन्स रिगोलिथ से ट्रू सॉइल कैसे बनती है। फर्स्ट स्टेप में रॉक का डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होता है और नेक्स्ट स्टेप में वेरियस टाइप के सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर से रिगोलिथ ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन करती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हार्ड सॉलिड रॉक मास कन्वर्ट हो जाता है रिगोलिथ में और रिगोलिथ फाइनली ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन कर देती है, जिसे हम डायरेक्ट फील्ड में यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स में आते हैं पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम। एक्टिव फैक्टर्स में आते हैं क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म। सो इस पिक्चर में हम इजीली वेदरिंग को समझ सकते हैं। वेदरिंग कैसे होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेशन और रिलीफ एंड क्लाइमेट, इन सभी फैक्टर्स से मिलके सॉइल की वेदरिंग होती है और ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये सभी फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पैसिव फैक्टर्स, यानी कि पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल में इजीली चेंजेस नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन इन फैक्टर की वजह से सॉइल एक्टिव प्रोसेस के लिए प्रिपेयर हो जाती है। फर्स्ट फैक्टर है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल या फिर रिगोलिथ, पेरेंट मटेरियल सॉलिड मास होता है जो रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन से बना होता है। पेरेंट मटेरियल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, सेडेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेड। सेडेंट्री पेरेंट मटेरियल वो होता है जो उसी जगह पर बनता है जहां एक्चुअली रिगोलिथ का फॉर्मेशन हुआ हो। और जब रिगोलिथ के पार्टिकल्स वाटर, एयर के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेड फैक्टर्स 4 टाइप्स के होते हैं, कॉल्यूवियल, एल्यूवियल, ग्लेशियल एंड ईओलियन। फर्स्ट है कॉल्यूवियल। इस प्रोसेस में ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकेंड है एल्यूवियल और इसे हम मैराइन भी बोलते हैं, जैसा इसके नेम से शो हो रहा है, मैराइन मीन्स वाटर। इस प्रोसेस में पार्टिकल्स वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। थर्ड है ग्लेशियल। इस प्रोसेस में रिगोलिथ के पार्टिकल्स आइस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एंड फोर्थ है ईओलियन। इस प्रोसेस में रिगोलिथ एयर के साथ या फिर विंड के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरेंट मटीरियल। द सेकेंड इज रिलीफ और टोपोग्राफी। रिलीफ और टोपोग्राफी डिनोट्स कॉन्फिग्रेशन ऑफ लैंड सरफेस, जैसा कि हिली लैंड, माउंटेनियस, रोलिंग, फ्लैट, अंड्यूलेटिंग एक्सेट्रा। अलग अलग टोपोग्राफी में सॉइल फॉर्मेशन अलग होते हैं, इसीलिए उस जगह पर मिलने वाली सॉइल भी डिफरेंट होती है। द थर्ड फैक्टर इज टाइम। सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इट मे टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जब सॉइल में रिगोलिथ बन जाती है तब से लेकर जब तक सॉइल मैच्योर नहीं होती है, उसे पेडोलॉजिकल टाइम पीरियड बोलते हैं। मैच्योर सॉइल
वो होती है जिसमें सॉइल के सभी हॉरिजन्स होते हैं, जैसे कि ए बी एंड सी। एंड फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, 1 इंच सॉइल बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो दिस ऑल आर द पैसिव फैक्टर्स। इसके बाद अब हम सॉइल फॉर्मेशन की स्टेजेस को समझते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेदरिंग स्टेजेस इन सॉइल फॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट स्टेज है इनिशियल स्टेज। ये सॉइल फॉर्मेशन की सबसे पहली स्टेज होती है। इसमें पार्टिकल्स अनवेदर्ड होते हैं और इसमें वेदरिंग जस्ट स्टार्ट होती है। सेकेंड स्टेज है जुवेनाइल। इस स्टेज में वेदरिंग स्टार्ट होती है, लेकिन ऑलमोस्ट मटेरियल अनवेदर्ड होते हैं। द थर्ड स्टेज इज विराइल। इस स्टेज में इजी वेदर्ड मिनरल डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में क्ले कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। द फोर्थ स्टेज इज सेराइल। इस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन ऑलमोस्ट फाइनली कंप्लीट हो जाता है। केवल हार्ड मिनरल्स ही बच जाते हैं, जिसकी वेदरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड द लास्ट स्टेप इज फाइनल स्टेज। जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, ये सॉइल फॉर्मेशन की सबसे लास्ट स्टेज होती है और इसमें सॉइल कंप्लीट वेदर्ड हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। एक्टिव प्रोसेस में सॉइल फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिव सॉइल फॉर्मेशन के 2 मेन फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इन फैक्टर्स को अब हम डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट। क्लाइमेट सॉइल फॉर्मेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे सॉइल टाइप और फॉर्मेशन रेट डिपेंड करती है। क्लाइमेट सॉइल फॉर्मेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, जैसे कि क्लाइमेट सॉइल को हीट और वाटर प्रोवाइड करता है, जिससे सॉइल फॉर्मेशन डायरेक्टली इफेक्ट होती है, और इनडायरेक्टली फोना एंड फ्लोरा को क्लाइमेट अफेक्ट करता है, जिससे सॉइल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। क्लाइमेट के 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं, जिससे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जैसे कि हाई टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर क्लाइमेट द नेक्स्ट फैक्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म। सॉइल इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स है प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेनली सॉइल ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एनिमल्स जब सॉइल में रहने के लिए गड्ढा करते हैं, तब उससे सॉइल मिक्स हो जाती है और पेरेंट मटेरियल ब्रेक होकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब ह्यूमंस अपने नीड्स के लिए, जैसे घर बनाना, रोड और कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब रॉक्स ब्रेक होती है और इससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। सेकंड इज वेजिटेशन। जब प्लांट्स की रूट सॉइल को पेनिट्रेट करती है, तब पेरेंट मटेरियल मैकेनिकली और केमिकली डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज्ड हो जाता है, या फिर तब सॉइल में वाटर इजीली परकोलेट हो जाता है, उससे सॉइल में मिलने वाले मिनरल्स डिसोल्यूशन करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसे हम पेडोजेनिक प्रोसेस भी बोलते हैं। पेडोजेनिक प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये प्रोसेस केमिकली और बायोलॉजिकली एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। इन 1959 में साइमनसन ने कुछ बेसिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस दिए थे। जब रेनफॉल होती है, तब सॉइल में वाटर ऐड हो जाता है, जिससे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल मैटर की रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है। और जब ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर सॉइल में रिएक्शन करते हैं, तब वो पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसके बाद न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं या फिर उनका डिसोल्यूशन होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। इसका फर्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रॉ ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं।
ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर और स्टार्च को डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स और सेल्यूलोस जैसे कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, और लास्ट में ऐसे कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होता है जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं जैसे कि टैनिन, और फाइनली इन सभी के डिकम्पोजिशन से डार्क कलर का सब्सटेंस बन जाता है जिसका नाम है ह्यूमस, और इस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। द सेकेंड प्रोसेस इज इल्यूएशन। इल्यूएशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट। इस प्रोसेस में सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि क्ले, Fe2O3, Al2O3, SiO2, ह्यूमस, CaCO3 एंड सॉल्ट्स सॉइल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट और मोबिलाइज होते हैं। इस प्रोसेस में A2 और E होरिजोन का फॉर्मेशन होता है। जब वाटर सॉइल में परकोलेट होता है तब सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाटर के साथ फ्लो करते हैं और वो सॉइल की अंदर वाली लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम इल्यूएशन बोलते हैं। द थर्ड प्रोसेस इज इल्यूएशन। जब इल्यूएशन होता है तब जो कंस्टिट्यूएंट्स वाटर के साथ फ्लो हो जाते हैं और सॉइल की अंदर लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को इल्यूएशन बोलते हैं। इसका होरिजन होता है बी होरिजन, और इस प्रोसेस को हम शॉर्ट में वॉशिंग इन बोलते हैं, क्योंकि इल्यूएशन प्रोसेस में जो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो इल्यूएशन में बी होरिजन में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। द फोर्थ प्रोसेस इज होरिजनेशन। इस प्रोसेस में सॉइल मटेरियल डिफरेंट लेयर्स में वर्टिकली डिवाइड होते हैं। होरिजन्स अलग अलग होते हैं जैसे कि ओ, ए, बी एंड ई। इन सभी में मिलने वाली सॉइल स्ट्रक्चरली और केमिकली अलग अलग होती है, इसीलिए हम इनको होरिजन्स में डिवाइड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम होरिजनेशन बोलते हैं। इसके बाद अब हम सॉइल फॉर्मेशन की कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट है कैल्सिफिकेशन। जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, कैल्सिफिकेशन मींस एडिशन ऑफ कैल्शियम। इस प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है। इस प्रोसेस में कैल्सिक होरिजन का फॉर्मेशन होता है, और इसकी रिएक्शंस होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और बाइकार्बोनेट जब कैल्शियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तब एक सोल्यूबल कंपाउंड बन जाता है, और वो सोल्यूबल कंपाउंड यानी कि CaHCO3 ट्वाइस जब टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सेकेंड प्रोसेस है डीकैल्सिफिकेशन। ये प्रोसेस कैल्सिफिकेशन का रिवर्स होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूवल होता है लीचिंग प्रोसेस से, जैसे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है टेम्परेचर में तब कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक सोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। द थर्ड प्रोसेस इज पोर्टोलाइजेशन। पोर्टोलाइजेशन प्रोसेस में पोर्टजोल का फॉर्मेशन होता है। पोर्टोलाइजेशन प्रोसेस में आयरन और हाइड्रोक्साइड्स सॉइल में परकोलेट हो जाते हैं और वो बी होरिजन में डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि ए होरिजन में से आयरन और ऑक्साइड्स की कमी हो जाती है, इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ग्रे एशी कलर का यानी कि राख जैसी कलर का हो जाता है। सो इस प्रोसेस में पोर्टजोल का फॉर्मेशन होता है, मींस सेस्क्यू ऑक्साइड्स जैसे कि आयरन एंड हाइड्रोक्साइड्स का लॉस हो जाता है अपर लेयर से, इसीलिए इसमें सॉइल ग्रे कलर की हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम पोर्टजोलाइजेशन बोलते हैं। द फोर्थ इज लेटराइजेशन। लेटर वर्ड एक लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है ब्रिक। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या फिर कंटिन्यूस रेनफॉल होती है उसकी वजह से सिलिका परकोलेट हो जाता है और सब सरफेस में जाके यानी कि बी होरिजन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, और सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में सेस्की ऑक्साइड्स बच जाते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लेटराइजेशन बोलते हैं।
लेटराइजेशन प्रोसेस में सेस्क्यू ऑक्साइड रिच सॉइल होती है और सिलिका डेफिशिएंट सॉइल होती है, और इस सॉइल को हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं या फिर ऑक्सीसोल बोलते हैं, और इसका कलर ब्रिक जैसा होता है। फिफ्थ प्रोसेस है ग्लीजेशन। ग्ली का मतलब होता है ग्रे कलर की क्ले। जब वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, मींस फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर फील्ड में आ जाता है, और पुअर ड्रेनेज कंडीशन में सॉइल में ग्ली बन जाती है, यानी कि सॉइल जैली जैसी हो जाती है। इस प्रोसेस में सॉइल जैली ग्रे कलर की हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइजेशन बोलते हैं। द सिक्स प्रोसेस इज सलाइनाइजेशन। इस प्रोसेस में सॉइल में सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम सलाइनाइजेशन बोलते हैं, और इसमें सॉइल सैलिक होरिजन बन जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।